हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुलदीप केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हो, लास्ट टाइम हम 100 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिनमें से हम 20 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। और देखिए उससे आगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके CBSE 2019 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 21 का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ये है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजोल्विंग 2.5 ग्राम 10^-2 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अज्यूमिंग दैट इट इज़ ए कम्प्लीटली डिसोसिएट, वेयर आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम एंड कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स मोलर मास ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 174 ग्राम मोल इनवर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से वॉन्ट हो फैक्टर कब यूज़ होता है, कैसे यूज होता है, आप आई थिंक जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पर सॉल्यूट आपका एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, तो उस टाइम हम ऑस्मोटिक प्रेशर हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो, वॉन्ट हो फैक्टर का यूज़ करेंगे, आई का। ओके, तो यहाँ पर K2SO4 है, तो यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, आई फैक्टर यूज हो जाएगा, वॉन्ट हो फैक्टर जिसको आप बोल रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू ए सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म ए डाइमर, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ फिनोल इन 1 kg ऑफ बेंजीन हैज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 0.69 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनोल दैट हैज डाइमराइज, वेयर गिवन Kf फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 5.1 केल्विन मोल इनवर्स। स्टूडेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को या तो नोट कर लो या फिर वीडियो को सेव कर लेना, बिकॉज एग्जाम में आने वाले सारे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। डिफाइन फॉलोइंग, मैंने इसमें कुछ 6-7 डेफिनेशंस दे रखी हैं। देखिए, फर्स्ट है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोरलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग 0.10 mg K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, द हाफ सेल रिएक्शंस इज Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन एज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दे रखा है 1.33 वोल्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग 0.10 K2Cr2O7, द हाफ सेल रिएक्शन इज Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना भाई, 1.33 वोल्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्नस्ट क्वेश्चन, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन, 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव दैट गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe एंड सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेट ई नोट सेल, कैलकुलेट ई सेल, सेल पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन से जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 0.1 मोलरिटी एंड Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.01 मोलरिटी या मोलर। ओके, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू -0.74 वोल्ट एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्नस्ट इक्वेशन के मैंने यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हो कि सर इनका हमें सोल्यूशन भी चाहिए, तो ऑफ कोर्स मैं इन सब का सोल्यूशन ज़रूर डाल दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। ए वोलेटिक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल। ओके, और हाफ सेल दे रखा है Ag1 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 0.001 M एंड Ag एंड Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे रखी है 0.10 M। ओके, वॉट वुड बी द वोल्टेज ऑफ दिस सेल, वॉट वुड बी द वोल्टेज ऑफ दिस सेल, गिवन ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए।
Write the next equation and compute the EMF of the following cell at 298 Kelvin. और यहाँ पर सेल दे रखा है SN, SN से SN2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव से H2. बोले तो ये ऑक्सीडेशन और ये क्या है रिडक्शन. कंसंट्रेशन यहाँ पर गिवन है SN2 पॉजिटिव की 0.05 मोलर एंड H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर. और यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टिन का जो दे रखा है वो क्या है -0.4144. जैसे कि आप जानते हो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट जीरो. तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो आप. इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना प्लीज़, बिकॉज 2019 के एग्जाम में बिल्कुल रखा हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए. स्टेट कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is the effect of dilution on the molar conductance, equivalent conductance and conductivity? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगला क्वेश्चन देख लीजिए 29 का. Express the relation among the conductivity of a solution in the cell and the cell constant and the resistance of solution in the cell. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए. डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जब तक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो मैं अपलोड करूँगा उसका पार्ट जो अपलोड करने जा रहा हूँ तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय.